everyone, welcome back to Aliya Gupta. So today we'll study a new topic, the chemical properties of metals. अब आइए देख लेते हैं मेटल्स क्या है. मेटल्स के बारे में मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बताया है, पर आइए आपको रीकैप दे देते हैं. मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन बिहेवियर. पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव इज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड देन फॉर्म पॉजिटिव आयंस. एग्जाम्पल ले लेते हैं मैग्नीशियम का. अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसी होगी? 2, 8, 2. अब ये एक रहेगा कि भाई मैं दो इलेक्ट्रॉन ले लो, अगर इसके दो इलेक्ट्रॉन लूज हो गए तो फिर इसकी कॉन्फिगरेशन ये होगी. तो इसके दोनों शेल्स है, ये फिल्ड होंगे. तो ये हमेशा ईगर रहता है कि मैं दो इलेक्ट्रॉन्स ले लो ताकि मैं बन जाऊं Mg+2+. सो इट हैज अ टेंडेंसी टू लूज टू इलेक्ट्रॉन्स एंड देन इट बिकम्स Mg2+. अब जब इसके दो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे, अब जब तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अपनी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा. जैसे सारे एलिमेंट्स नेचर में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वैसे ये भी चाहता है. और इसे जो स्टेबिलिटी मिल गई, क्यों? क्योंकि इसकी दोनों शेल्स जो है वो फिल्ड हो गई विद 2 and 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो नाउ सेम इज द केस विद सोडियम. सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11. कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1. अब तो इस केस में क्या हुआ? सोडियम हमेशा ईगर रहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लो और ताकि मेरी मैं अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लूं, यानी 2, 8. इसकी सारी शेल्स फिल्ड है तो ये क्या करेगा? एक पॉजिटिव आयन बनाएगा, Na+. तो हर मेटल के वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिन्हें वो इजीली लूज करेंगे और एक पॉजिटिव आयन बनाएंगे. पर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कहाँ से करेंगे? फ्रॉम देयर वैलेंस शेल एंड देन दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस. मेटल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं कि दो चीजों पे बेस्ड होती हैं. एक तो कि मेटल की रिएक्टिविटी कितनी है और दूसरा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला है मेटल प्लस हाइड्रोजन विल गिव मेटल हाइड्राइड. आइए इसका एग्जांपल लेते हैं. मेटल ले लेते हैं सोडियम प्लस हाइड्रोजन. अब एग्जाम में क्या होता है, ज्यादातर फॉर्मूलाज में गलती होती है. तो देखिए, सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1. हाइड्रोजन की कितनी है? 1. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला बनेगा NaH. पर देखिए, इस इक्वेशन को हमें बैलेंस जरूर करना है. हाइड्रोजन दो है पर इससे सोडियम के नंबर पे भी इफेक्ट पड़ा, तो सोडियम के आगे 2 लगा दें, आवर इक्वेशन इज बैलेंस्ड. तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी. अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, और वो है मेटल प्लस क्लोरीन विल गिव मेटल क्लोराइड. लाइक फॉर एग्जांपल, मेटल सोडियम ही लेते हैं प्लस क्लोरीन. क्लोरीन हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है, विल गिव सोडियम की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1. 1 से 1 कैंसिल आउट, फॉर्मूला विल बी NaCl. अब इस इक्वेशन को बैलेंसिंग की जरूरत है. क्लोरीन की इधर दो, इधर क्लोरीन के दो, पर सोडियम के नंबर पे इफेक्ट पड़ गया, तो सोडियम के आगे दो, एंड आवर इक्वेशन इज बैलेंस. तो हमने पहली दो प्रॉपर्टीज में देखा, मेटल रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन गिव्स मेटल हाइड्राइड एंड रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन गिव्स मेटल क्लोराइड. अब आते हैं हमारी अगली प्रॉपर्टी पे, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड. इसमें मेटल का रिएक्शन करेंगे विद डाइल्यूट एसिड और वो हमें देगा मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन. अब हम ये एसिड्स की बात कर रहे हैं, ये है मिनरल एसिड्स. पर मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स वो एसिड्स हैं
जो बने होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के या मिनरल्स के, मतलब वो किसी लिविंग कंपोनेंट के नहीं बने होते। ऐसे एसिड्स जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हैं या फिर मिनरल्स के बने, उन्हें हम कहते हैं मिनरल एसिड। अब अगर आप अपने स्कूल की केमिस्ट्री लैब में जाते हैं तो मोस्ट कॉमनली आपको ये एसिड्स तो मिलेंगे ही, H2SO4, HCl और HNO3। अब H2SO4 और HCl के साथ जो रिएक्शन है वो काफी हद तक सेम है, देखते हैं कैसे। सोडियम मेटल ले लेते हैं, सोडियम प्लस HCl, NaCl प्लस H2, बैलेंस कर देते हैं 2, 2, 2। अब H2SO4 के साथ केस ले लेते हैं, Na प्लस H2SO4 विल गिव Na2SO4 प्लस H2, इधर बैलेंस कर देते हैं Na2SO4। अब देखिए, ध्यान से देखिए तो ये रिएक्शंस काफी हद तक सेम है, पर जब बात आती है HNO3 की, सो द केस इज स्लाइटली डिफरेंट। जिंक का एग्जांपल लेते हैं, जिंक प्लस HNO3। देखिए ZnNO32, जिंक नाइट्रेट तो आएगा ही आएगा, पर इधर हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। अब ये जो HNO3 एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वॉटर में। सो वॉटर प्लस, और ये खुद को रिड्यूस कर देता है NO, NO2 या N2O में। इधर आएगा NO2। इक्वेशन बैलेंस कर देते हैं, 4, 10 and 4। और ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो आप देख सकते हैं इधर तो केस बहुत डिफरेंट है, इधर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर में और HNO3 खुद को रिड्यूस कर रहा है NO2, NO या N2O में, इधर रिड्यूस कर रहा है NO2 में। फ्रेंड्स, जगह कम है तो मुझे बोर्ड मिटाना पड़ रहा है, तो आइए पहले इन 3 पॉइंट्स का एक रीकैप ले लेते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन, जब किसी कोई मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्राइड बनता है। सेकेंड पॉइंट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद क्लोरीन, जब कोई मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल क्लोराइड बनता है। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी, जब रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड, जब भी मेटल किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन निकलता है। याद रखिए, इधर जो एसिड है वो मिनरल एसिड है, मिनरल एसिड वो एसिड है जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बने हैं या फिर मिनरल्स के बने हैं, पर वो लिविंग कंपोनेंट्स के नहीं बने होते। फ्रेंड्स, ये जो H2SO4 और HCl का केस है, ये इस इक्वेशन के लिए वैलिड है, पर जो HNO3 का केस है ये थोड़ा अलग है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में और खुद को रिड्यूस कर देता है N2O, NO या NO2 में। तो फ्रेंड्स, याद रखिए कि जब भी कोई मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है और वो एसिड HCl या H2SO4 है, तो फिर जो प्रोडक्ट साइड पे गैस होगी वो हाइड्रोजन होगी, पर अगर वो एसिड HNO3 है तो फिर प्रोडक्ट साइड पे वाटर होगा। अब आइए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है दैट, फोर्थ प्रॉपर्टी, और वो है, अगर कोई मेटल है, सपोज मेटल ए प्लस सॉल्यूशन ऑफ, सपोज कोई मेटल है मेटल बी, तो ये हमें देगा मेटल बी अलग से प्लस सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए, पर ये प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जब मेटल ए मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो एज्यूम कीजिए कि मेटल ए है कॉपर प्लस
मेटल भी है सिल्वर, तो इसका बना लेते हैं हम सॉल्यूशन AgNO3। तो ये हमें देखो, बिकॉज कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, सो कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम द कंपाउंड सिल्वर नाइट्रेट। तो ये कंपाउंड बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस, देखिए सिल्वर अलग से आएगा बिकॉज सिल्वर कॉपर की जगह आ जाएगा, सो सिल्वर। इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं, CO का वन CO का वन, इधर नाइट्रोजन की 2 है और ऑक्सीजन की 6, इधर 2 इधर 2, इक्वेशन इज बैलेंस्ड। सो दिस वाज एन एग्जांपल, ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस हीट। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगी और साथ में हीट मिलेगी। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, बैलेंस कर देते हैं। और ये व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करती है। और कॉपर प्लस ऑक्सीजन विल गिव अस कॉपर ऑक्साइड, तो ये थे एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अब ये जो दो ऑक्साइड्स बनी हैं, इनके दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। अब ये बेस, अब आइए पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक कैसे हैं? मतलब ये एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगे और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ करेंगे। पर नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स ही क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विल बी एसिडिक इन नेचर, एंड वी आर सेइंग दैट मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये पहले बेसिक का एग्जांपल लेते हैं। पहले हम एग्जांपल लेंगे रिएक्शन विद एसिड, हम ले लें। सो लेट्स से MgO प्लस HCl विल गिव अस MgCl2 प्लस H2O, राइट? तो हम देख रहे हैं कि ये बेसिक इन नेचर है, तो ये इस एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके साथ रिएक्ट कर रही है, कर रही है। अब एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड लेते हैं, इधर हम CaO का एग्जांपल ले लेते हैं प्लस CO2 ले लेते हैं, इधर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हम सब जानते हैं लाइमस्टोन के फॉर्म में भी हो सकता है, चौक के फॉर्म में भी हो सकता है और मार्बल के फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये हमने देखा बेसिक नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स। अब बात आती है एम्फोटेरिक नेचर की। देखिए बहुत कम एम्फोटेरिक, देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बस तीन होते हैं, जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड। हम एग्जांपल लेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, हम कह रहे हैं कि वो एसिडिक नेचर भी शो करेगी और बेसिक नेचर भी शो करेगी। तो पहले हम उसका रिएक्शन एसिड के साथ करेंगे और फिर बेस के साथ करेंगे। तो फर्स्ट लेट्स टेक एसिड, हम लेंगे Al2O3 प्लस एसिड HCl, सो दिस विल गिव अस AlCl3 प्लस H2O। तो हम देख रहे हैं कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, मतलब ये बेसिक नेचर शो कर रही है। अब Al2O3 इसका रिएक्शन कराएंगे हम बेस के साथ यानी NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वॉटर। अब देखिए ये बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाँ मतलब एसिडिक नेचर शो कर रहा है,
और बेसिक नेचर हमने देख लिया, शो कर रहा है कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है. सो इट शोज एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर. सो मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक इन नेचर और कैन बी एम्फोटेरिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स के बारे में एक और जरूरी बात याद रखिए, जनरली सारे मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, पर कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और वो फॉर्म करते हैं अल्काली. जैसे सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डालो तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड. पोटेशियम ऑक्साइड को वाटर में डालो तो क्या बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. अगले पॉइंट के लिए मुझे बोर्ड मिटाना पड़ रहा है तो मैं आपको एक क्विक रिकैप दे देती हूँ. इस पॉइंट में हमने देखा कि अगर कोई मेटल है मेटल ए और वो रिएक्ट कर रहा है सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी से, तो हमें मिलेगा मेटल बी अलग से और सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए. पर ये कंडीशन तभी होगा जब मेटल ए मेटल बी से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी मेटल ए मेटल बी को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है, वरना नहीं कर सकता. इस पॉइंट और अगला पॉइंट था कि मेटल जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड मिलेगा और हीट प्रोड्यूस होगी. मेटल ऑक्साइड के दो कैरेक्टर्स दिखे, इट कैन बी बेसिक इन नेचर और एम्फोटेरिक इन नेचर. एम्फोटेरिक का मतलब कि वो बेसिक नेचर भी शो करेगा एज वेल एज एसिडिक नेचर भी शो करेगा. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जिंक ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और बेरिलियम ऑक्साइड होता है. अब लास्ट पॉइंट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वॉटर. अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी और वो है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वॉटर. अगर कोई हाई रिएक्टिव मेटल है तो मेटल जब वो वॉटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन. पर अगर वो मेटल कम रिएक्टिव है तो हमें मिलेगा मेटल प्लस ऑक्सीजन. मेटल प्लस वॉटर विल गिव अस मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. हाइड्रोजन तो रिलीज होगी नहीं. अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. देखिए जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम और पोटेशियम, ये कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं. तो जो सोडियम एंड पोटेशियम है दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. तो सोडियम प्लस H2O कौन सा है, कोल्ड है. तो ये देखते हैं हमें क्या मिलेगा. अब क्या करेंगे, सोडियम और पोटेशियम एक सिल्वर बॉल बना लेंगे जो धीरे धीरे श्रिंक होगी और जैसे जैसे श्रिंक होगी एक हिसिंग साउंड आएगी जो हाइड्रोजन बबल्स की होगी. तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगी और साथ में हाइड्रोजन गैस लाइट लिब्रेट होगी. पोटेशियम के साथ ये बर्न कर जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, सो इट विल बर्न राइट. और ये बर्न करेगा एक येलो फ्लेम के साथ. सेम इज द केस विद पोटेशियम. पोटेशियम भी एक सिल्वरिश बॉल बना लेता है जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होगी. पर ये बर्न करता है एक लिलैक फ्लेम के साथ. लिलैक एक पेल पर्पल का एक शेड होता है, बहुत लाइट शेड होता है पर्पल का, उसे हम लिलैक कलर कहते हैं. अब बात करते हैं कैल्शियम की. कैल्शियम का भी सेम केस होता है. कैल्शियम प्लस वाटर विल गिव अस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिब्रेटेड. पर ये बर्न नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, सो इट विल नॉट बर्न. बट इट कैन रिएक्ट विद कोल्ड वाटर. अब बात करते हैं मैग्नीशियम की. मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ बहुत माइल्डली रिएक्ट करता है, पर बॉइलिंग वाटर के साथ वो बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है. आपने अपने एल्डर्स को कहते हुए सुना होगा कि हमारे यहाँ हार्ड वाटर आ रहा है जिसमें मैग्नीशियम है, पर वो हार्ड वाटर जब गीजर से आ रहा होगा तभी मैग्नीशियम उसके साथ रिएक्ट करेगा, वरना नहीं करेगा. मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस तो लिब्रेट होगी ही होगी. अब बात करते हैं कुछ लो रिएक्टिव मेटल्स की.
जैसे कि जिंक और आयरन, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। पर स्टीम के साथ भी जिंक और आयरन नहीं, हॉट जिंक और हॉट आयरन रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड और Fe2O3, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है तो हाइड्रोक्साइड नहीं मिलेगा, ऑक्साइड मिलेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस तो लिब्रेट होगी ही होगी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बहुत हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, वो रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और कैल्शियम भी, और जो उससे थोड़ा कम रिएक्टिव होते हैं जैसे मैग्नीशियम, वो रिएक्ट करेगा बॉइलिंग वाटर के साथ, और जो उससे भी कम रिएक्टिव होते हैं जैसे कि जिंक और आयरन, और वो भी अपने हॉट फॉर्म में, तब वो रिएक्ट करेंगे विद वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। और हम जानते हैं कि वो जो गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम है तो इतने कम रिएक्टिव है कि वो तो रिएक्ट ही नहीं करते, राइट। सो इससे हमें पता चलता है जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगी और हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोक्साइड तब मिलेगी जब हमारा मेटल हाईली रिएक्टिव है। अगर मेटल थोड़ा कम रिएक्टिव है तो इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, मेटल प्लस वाटर विल गिव अस मेटल ऑक्साइड नॉट हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन विल लिब्रेट। एक क्विक रिकैप लेते हैं, हमने इस ट्यूटोरियल में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में देखा, जो थी फर्स्ट प्रॉपर्टी मेटल प्लस हाइड्रोजन विल गिव अस मेटल हाइड्राइड, सेकंड प्रॉपर्टी मेटल प्लस क्लोरीन विल गिव अस मेटल क्लोराइड, थर्ड प्रॉपर्टी मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, कौन सा एसिड, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड क्या होता है, वो एसिड जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बने हैं, या हम कह सकते हैं कि वो मिनरल्स के बने हैं, उन एसिड्स को हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। जब वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हमें मिलता है मेटल सॉल्ट और साथ में हाइड्रोजन, पर सिर्फ HCl और H2SO4 के केस में हमें हाइड्रोजन और मेटल सॉल्ट मिलता है, HNO3 के केस में हमें मेटल सॉल्ट तो मिलेगा पर ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाटर में और ये खुद को रिड्यूस कर देगा NO N2 या NO2 में। तीसरा हमने सीखा दैट हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में देखा, फिर हमने देखा रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन एज वेल एज रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय।